मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2024 का बिगुल फूका जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे चल भी दिए हैं। यह बात अलग है कि टिकट की इस दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर विश्वास दिखाया है, क्या वो विश्वास पर खरे उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बहुत जल्दी घोषित कर दिए हैं, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का यह निर्णय जल्दी लिया गया या जल्दबाजी में लिया गया साबित होता है या नहीं, क्योंकि असंतुष्टों को मनाना पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। हालांकि पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर ही यह चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कसरावद विधानसभा से वर्तमान विधायक सचिन यादव का टिकट ही फाइनल माना जा रहा है। सचिन यादव एवं उनके बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के द्वारा विगत दिनों निकाली गई आस्था यात्रा को जनता का अपार स्नेह आशीर्वाद मिला है, जिससे उत्साह से लबरेज सचिन यादव ने क्षेत्र में विधानसभा 2024 को लेकर सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया है और अपनी विधानसभा के ग्राम खामखेड़ा, सोडलपुरा और सांगवी से लगभग 150 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर यह संदेश दे दिया है कि मुकाबला रोमांचक होगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। कल भाजपा कार्यकर्ता भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में एक भारी आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था और यही कारण है कि लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। लोगों ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नुमाइंदों को घर भेजने के लिए, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। कल भोपाल के अंदर भी समंदर पटेल सिंधिया समर्थक बड़े काफिले के साथ में भोपाल पहुंचे और कांग्रेस की सदस्यता ली उसमें। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना प्रदेश का और अपना भविष्य देख रहे हैं, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं छोड़ करके कांग्रेस में आए। जैसे जैसे ही चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे ही कोई बड़े नेताओं की कांग्रेस में एंट्री होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से बड़ी लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, और जैसे जैसे समय निकट आएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।